दोस्तों YouTube में एक ज़बरदस्त बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आया हुआ है। जैसे मैं थंबनेल में पहले ही लिख दिया हूँ कि ज़बरदस्त अपडेट है, तो आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत ही छोटी वीडियो बनने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। खासकर दोस्तों जिनका मोनेटाइजेशन ऑन है उन सब के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अपडेट ये है, जैसे कि आप गूगल क्रोम पर जाकर आप वीडियो को अपलोड करते हैं यूट्यूब स्टूडियो में जाकर, तो दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। और दोस्तों अपडेट भी यूट्यूब स्टूडियो में ही है। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप वीडियो अपलोड कर देते हैं आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर आप डिटेल पूरा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद टाइटल टैग जो भी रखना होता है इसमें आप कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, जिनका मोनेटाइजेशन ऑन रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वीडियो एलिमेंट और विजिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बीच में एड सुटेबिलिटी का ऑप्शन आ गया है। जैसे दोस्तों बहुत दिन पहले एक ऑप्शन आया था लेकिन हट गया था, लेकिन दोस्तों फिर से एक ऑप्शन आ गया है एड सुटेबिलिटी का। यहाँ पर दोस्तों आप अपने ऐड को मैनेज कर सकते हैं कि आपका किस प्रकार का ऐड आपके कंटेंट पर आना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर ऐड सुटेबिलिटी पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाई जाती है, जहाँ पर आपको समझाया जाएगा कि किस प्रकार के यहाँ पर ऑप्शन हैं, कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं, आपको इसमें समझाया गया। लेकिन दोस्तों मैं आपको हिंदी के ज़रिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जूम करके अगर आप दिखाएँ तो इनपोर्ट्रेट लैंग्वेज, उसके बाद एडल्ट कंटेंट, वायलेंस, उसके बाद शॉकिंग कंटेंट, फिर यहाँ पर हार्मफुल और डेंजरस एक्ट, ड्रग्स रिलेटेड कंटेंट, यहाँ पर सभी प्रकार के आपको बताए गए हैं किस प्रकार के आपके कंटेंट हैं, उस पर आप जाकर उस ऑप्शन को क्लिक करके रख दीजिए। जैसे दोस्तों इनपोर्ट्रेट लैंग्वेज पर अगर यहाँ पर कोई भी हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको उस प्रकार के ऐड दिखाए जाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, जो कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ आप ध्यान से समझिए, तभी आप समझ पाएंगे। एडल्ट कंटेंट में अगर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलता है। तीन ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाया गया है किस प्रकार के आप इसके रोमांस और किसिंग ऐड, यहाँ पर रोमांटिक जो कि कंटेंट रहेंगे, यहाँ पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपको उस प्रकार के ऐड भी आपके कंटेंट पर शो होंगे। ये नहीं दोस्तों जैसे कि पहले क्या होता था कि आपके जो भी वीडियो रहते थे उस पर किसी भी प्रकार के ऐड आ जाते थे, जैसे टेक्नोलॉजी वीडियो है तो यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर आपकी कॉमेडी के भी ऐड आ जाते थे और बहुत सारे ऐसे ऐड आ जाते थे, तो आपकी वीडियो पर शो नहीं करते थे अच्छे से, मतलब कि वहाँ पर आपकी वीडियो के ऊपर नहीं रहता था रिलेटेड। तो इसमें दोस्तों यही अपडेट लाया गया है कि आपके जिस प्रकार के कंटेंट हों आप इस पर उस प्रकार के कंटेंट पर क्लिक कर दीजिए, तो दोस्तों जब वहाँ पर यूट्यूब आपके चैनल का रिव्यू, आपके वीडियो का रिव्यू करेगा, तो उसी प्रकार के ऐड आपके वीडियो पर शो करेगा। तो इसीलिए दोस्तों ये ऑप्शन लाया गया है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस पर ज़रूर एक बार क्लिक करके देखें, क्योंकि दोस्तों जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका जो भी ऑप्शन है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों आप एक बार इसमें क्लिक कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ के देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, जैसे दोस्तों अगर आपका हार्मफुल कंटेंट है, मतलब बहुत ही ख़तरनाक कंटेंट है, तो इसमें आप देख लीजिए कि किस प्रकार का आपका कंटेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों आप उस पर क्लिक करके उसको मैनेज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर नहीं है तो वहाँ पर हम अंडो कर सकते हैं। फिर उसके बाद हार्मफुल और डेंजरस एक्ट पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन इसमें भी दिया गया है कि आपका किस प्रकार का कंटेंट है, हार्मफुल में किस प्रकार का कंटेंट है, मतलब कि बहुत ही ख़तरनाक है, कि मीडियम में है, कि एकदम लो है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उसी प्रकार के आपके कंटेंट पर ऐड आएंगे। तो मैं दोस्तों यहाँ पर अपना जो कि है हार्मफुल नहीं तो हेल्पफुल वाला मैं क्लिक कर देता हूँ, और नीचे दोस्तों मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों जब तक मैं एक नहीं क्लिक करूँगा तब तक मेरा नेक्स्ट नहीं होगा। तो यही बताना दोस्तों, धन्यवाद।